अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंगल जी क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। साजिद साहब आप ये बताएं कि इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका है? वोट तो सभी मांग रहे हैं मेरे से। अच्छा ठीक है, आप क्या कहते हैं? मैं वो कहता हूँ, मैं अरसे तकरीबन एक साल से मैं पहले ऑटो रिक्शा चलाता था। एक साल पहले आप ऑटो रिक्शा चलाते थे, अब वो ऑटो रिक्शा आपका किधर गया? वो ऑटो रिक्शा मालिक ने बेच दिया। अच्छा, आप किस? अब मुझे रिक्शा कोई नहीं दे रहा। अब आपके पास रोजगार नहीं है? क्योंकि मेरा ये पांव सूज गया था। अच्छा अच्छा। पूरी फैमिली में मेरा ऑपरेशन हुआ था, वो रसीद मेरे पास पड़ी हुई है। सही है, ठीक है, सही है। तो उसके बाद मैं दोबारा गया रिक्शा लेने के लिए, उन्होंने कहा आपको रिक्शा नहीं देना, बीमार हो फिर बीमार हो जाओगे। सही है। अभी मैं समझने लगे लोगों से भीख मांग रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके दिल को अच्छा नहीं लगता कि आप दिल को? मेरा जमीन गवारा नहीं करता। सही, मैं किसी से मांगता नहीं, लोग खुद आकर मुझे दे जाती है। कभी उधर बैठता हूँ, कभी उधर बैठता हूँ, कभी उस चौक में, कभी उस चौक में, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी आपकी डिमांड ये है कि कोई मतलब मुझे रोजगार कोई बाकी वगैरह ले दे। मैं, मेरी कोई इतनी डिमांड नहीं है कि मैं कहूँ मुझे कोई गाड़ी ले दे या बस ट्रक ले दे। सही है, बाकिया चलाऊंगा, अपना रोजगार कमाऊंगा, दुआएं दूंगा। अल्लाह पाक आप पर अपना फजल करम अता फरमाए। आप ये बताएं कि आपसे कोई रब्ता करे तो कैसे? आपके पास मोबाइल नंबर है? जी, मोबाइल नंबर बोले अपना। मुझे याद नहीं है, जुबानी याद नहीं है। आपको मैं आपका नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है। कोई भी अल्लाह का बंदा या इलेक्शन वाली पार्टी, अल्लाह पाक आपका जो है ना वसीला बनाए। ठीक है। आपका जो है ना बाइक ले दें या कोई ऐसी चीज रक्षा ले दें ताकि आप अपना रोजगार चला सके। मैं आपका नंबर लेके यहाँ पे पीछे मेरी सिस्टर का घर है, वो मुझे कहती है कि मुझे लोगों ने बताया कि आपका भाई वो आंचों में बैठा हुआ मांगता है। मैंने कहा मैं तुमसे तो नहीं मांग रहा ना, मेरी सकी बहन है, वो दरवाजे नहीं खोलती। सही। उसने मेरे लिए दरवाजा पाने का, मुझे तुम सोने के लिए गैराज में जगह दे दो, मैं ना लोगों से मांगू। सही। इस बात में वो खामोश होगी। सकी बहन है मेरी, ये पीछे डी ब्लॉक में उनका अपना मकान है। मेरे बनोई के डिलासिस में मैंने दो बोतलें खून की थी, उसका सका बेटा पास खड़ा था, वो कहते हैं बाबा जी का खून नहीं लेना। मैंने कहा सारा खून मेरा निकाल ले, मेरे बनोई को बचा लो। अल्लाह खैर, यहाँ तक मैंने किया, आज मेरे बहन भाई मुझे पूछते नहीं है। अल्लाह पाक अपना फजल करम अता करेंगे। हम पांच भाई थे, बाप का मकान बेच के आगे भाई सारे अपने अपने घरों में बैठे हुए, मैं सड़कों पे लोगों से भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह पाक अपना खुशी फजल अता करे। रोए नहीं आप। इंशाल्लाह आपका नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन करूंगा, आपको कॉल आई। आपके पास मोबाइल है ना? जी सही है। अल्लाह पाक अपना खुदूसी फजल करम अता फरमाए। दिल बड़ा करें आप हिम्मत हारने वाले लगते नहीं है मुझे। जज़ाकअल्लाह। ये थी एक मेरी छोटी सी कावश, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा जी को अपना रोजगार मिल सके। मैं हूँ आपका अपना कबीर सोदिया वाला। जज़ाकअल्लाह।